कि मेरा लिया फकीरी वाना तेरे कुंडल लटके गाना अरे ना बोला देखा दे मेरा लिया फकीरी वाना तेरे कुंडल लटके गाना अरिया दुनिया मारे ताना रे किसी भी तरह रोगी धीर के कारण दोगली और गोपी संत मेरा जी अगर बात समझ में आ रही है ना तो एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे एक दो तीन आओ
ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਬਲਾ ਕੀ ਗੋਪੀ ਸਦਨੇ ਕੀ ਬਾਈ ਕੋ ਪਿਆਉ ਰਚਾਉ ਮੈਂ ਬਾਤਨੂ ਦਵਾ ਆਉ ਅਰਥੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਤਈ ਆਉ ਰਉ ਢਉ ਮਨ ਸੀਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜੋਗਲੀ ਹੋ ਰ ਗੋਪੀ ਸਦ ਮੇਰਾ ਔਰ ਅੰਤ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਨੋ ਜੋ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਸੇ ਮੇਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ Oh,
Thank you.
बना करके दिया तो रामदेव जी महाराज मन में बड़े उमंग भर गई। घोड़े के ऊपर बैठ करके और जी लगाम हाथ में ली और जी एड मारी और वो कपड़ा को घोड़ो आसमान में उड़नो शुरू। जब वो घोड़ा आसमान में उड़ने लग गया तो माँ बाप को भी चिंता सताने लगी कि वैने वह और दर्जी है जब कोई ई घोड़ा के मायने कोई जादू कर ले है और जी जादू वाला घोड़ा की वजह मारो बाड़े क्यों रुड़ क्यों माने था को नहीं पड़ रही मारो बाड़े कटे गए। तो माता पिता ने क्या किया हो माता पिता ने चिंता लागी दर्जी का चक्कर आयो जी बाप दादी दर्जी का चक्कर आयो घोड़े लियो
ताली बजा करके। भोर मन भोर लियो मन बाजे मारी माँ, मन भोर लियो मन मन भोर लियो मन बाजे मेरी माँ, मन भोर लियो मन भाई केवरो कोई सा को जेठ को नाव है रामदेव जना ने बोलो दीजी करो ये कब भी बोलिया करो ये थोड़ी का लगा लगा हाथ है घूमता भी है भगवान का घूमता भी न्यारा न्यारा ही कोई आते आवाजी को घूमतो बना रखी कोई चोटी वालों बना रखी भाई एक देख गए नहीं बैठी जानी बिल्ली टाण पर बैठी हुई जे कर लो गए करो और सच्चा मन से अगर थे बाबा से अरदास करोगा तो मेरी गारंटी है वो बाबू थारा कष्ट जरूर करेगा। घर के मायने सासू ससुराल को कहो मन अपने को ना कि सासू का हाथ दबाती दबाती पग दबाती दबाती कदे वो काम मसीह जो है ये क्योंकि माँ बाप से और सास ससुर से दूसरा पवित्र धाम इस धरती पे कोई नहीं है। क्यों कि अगर आपने सास ससुर की सेवा नहीं की तो आपकी भी अगर लाडली बेटी होंगी उनके भी कोई ना कोई सास ससुर बनेंगे। नड़ बेरो पार्ट आईगा आपको यो बहुत जोर को यो आ जो नार बांगड़ बाज जो ना प्रभावी आने लड़ाई करवा की जरूरत को नहीं लाडली आने एक पर है एक करी दूसरे ने खिला ले मेरी सोक ला लो और देखिए बड़ी सुंदर हाथ लगाई प्रताप जी ने अगर